नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा फालूदा। जो फालूदा मार्केट में पीते हैं ये उससे भी ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं फालूदा बनाना। और उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर ली है सिमई। ये वही सिमई है जिनका हम पोहा या बिरयानी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सिमई ले ली है और मैं बताती जाऊँ, मैं इसको हल्का सा घी डालकर पहले रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद बॉयल करूँगी। यहाँ पर ली है मैंने चीनी आधी कटोरी। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आपको जितना भी मीठा करना है या कम मीठा करना है। मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर का है। थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, इनको मैं महीन कट कर लूँगी। और यहाँ पर ली है मैंने रंग बिरंगी चेरी और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। और यहाँ पर जो मेन होता है फालूदा का वो होता है मिल्क, यानी कि कस्टर्ड मिल्क। और मैंने यहाँ पर ली है ये आइसक्रीम। फालूदा में आपने देखा होगा एक लेयर सिवई की लगती है, दूसरी लेयर आइसक्रीम की लगती है। तो मैंने ये आइसक्रीम सुबह ही जमा कर रख दी थी। मैंने 1.5 गिलास लगभग दूध लिया, उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर उसमें टूटी फ्रूटी डाली, चीनी डाली, उसको अच्छे से गर्म किया और फ्रिज में रख दिया। यकीन मानिए ये बहुत अच्छी जमकर तैयार हुई है। मैंने इसको लगभग 3-4 घंटे पहले रखा था, ये बहुत अच्छे से जम गई है। और जब तक मैं सिमई वगैरह अपनी रेडी करूँगी तब तक मैं इसको फिर से फ्रिज के अंदर इसी तरह से ढक्कन लगा कर रख दूँगी, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये बाहर मेल्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक पैन ले लिया है। पैन में डाला है सिर्फ 1 चम्मच घी और उसमें ये सिवई डालकर मैं हल्की सी रोस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो इसे बिना रोस्ट किए भी उबाल सकते हैं, पर मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, जब हम फालूदा पीते हैं तो वो हल्का हल्का सा हमारे मुंह में रेसे से जाते हैं, जैसा मार्केट का टेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही। मैंने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं साइड में एक कटोरी में निकाल लूँगी। सिवई निकालने के बाद उसी पैन को मैंने एक कॉटन के कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी दूध। सावधानी से डालें, पैन थोड़ा सा गर्म है। जब तक दूध में एक उबाल आएगा तब तक मैं क्या करूँगी, इस कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध डालकर इसका मैं घोल बना लेती हूँ। कस्टर्ड पाउडर का घोल हमेशा रूम टेम्परेचर वाले दूध से ही बनाना चाहिए। गर्म दूध डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम उसमें डाल देंगे चीनी। चीनी जैसे ही घुल जाएगी हम उसमें डालेंगे ये कस्टर्ड पाउडर। और जैसे ही कस्टर्ड पाउडर डालेंगे हम बराबर दूध को चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा। जब तक हमारा दूध पक रहा है कस्टर्ड के साथ तब तक हम यहाँ एक भगोने में ले लेंगे पानी और इसको एक उबाल आ जाने देंगे। पानी हमारा गर्म होने लगा है, अब हम डाल देंगे इसमें ये सिवई और इनको अच्छे से पक जाने देंगे। देखिए जब तक हमारी सिमई उबल रही हैं, पक रही हैं, तब तक हमारा ये कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। और कस्टर्ड को भी हमें दूध में डाल के पकाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कस्टर्ड डाला और उसको 1-2 मिनट चलाया निकाल दिया। कस्टर्ड को पकाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, या कह लीजिए वो ट्रिक होती है कि हम कैसे देख सकते हैं कस्टर्ड पक गया है। साइड साइड में सफ़ेद सफ़ेद यहाँ फेना ऐसा आता है लगभग 5-7 मिनट तक, और हमें उसे इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहना चाहिए जब तक इसमें अच्छे से कलर नहीं आ जाता और पूरा फेना ख़त्म नहीं हो जाता, तब हमारा कस्टर्ड अच्छे से पकता है, वरना कच्चेपन का स्वाद आता रहता है। हमारा कस्टर्ड पककर रेडी हो गया है। इसको मैं साइड में रख दूँगी पंखे के नीचे और बराबर चलाती रहूँगी ताकि ऊपर मलाई की लेयर ऐसी ना जमे। लीजिए हमारा फालूदा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरी यहाँ सिमई भी अच्छे से उबल गई हैं। सिमई को उबालने के बाद हम क्या करते हैं मैं बता दूँ आपको। जैसे ही गर्म पानी से हम इसको छन्नी में निकालते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी देर तक ठंडा पानी डाल देती हूँ
ताकि जिस घी में हमने इनको फ्राई किया था उसका चिकनापन इसके अंदर ना रह जाए। और ये एकदम देखिए कितने अच्छे से हो गई है। अब हम करते हैं बनाना शुरू फालूदा। और फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन गिलासों में डालूंगी मैं ये सिमई। और जैसे ही हम इसमें ये सिमई डालेंगे वैसे ही हम फ्रिज से निकाल कर इस पर डाल देंगे ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आपने देखा होगा ना मार्केट में जो फालूदा हमें मिलता है उसमें आइसक्रीम भी पड़ी रहती है। मैंने इसमें आइसक्रीम डाल दी है और इसके ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी और ये काजू बादाम मैं डाल दूंगी। और अब डालूंगी मैं ये जो मैंने कस्टर्ड मिल्क तैयार किया है। और मिल्क डालने के बाद फिर से मैं इसमें एक एक चम्मच ये सिवई डालने वाली हूँ। और सिमई के बाद उसके ऊपर से फिर से मैं ये आइसक्रीम डाल दूंगी। और आइसक्रीम डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा थोड़ा दूध। दूध का आप ये ध्यान रखें ये रूम टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए। इसको हम गरम गरम नहीं इस्तेमाल करेंगे फालूदा में, क्योंकि फालूदा बहुत ज़्यादा ठंडा पिया जाता है। अब इसका करूँगी मैं डेकोरेशन ये टूटी फ्रूटी के साथ। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें ये काजू और बादाम। उसके बाद डालूंगी मैं ये रू अफ़ज़ा। लीजिए बनकर तैयार हो गया है घर पर बिल्कुल मार्केट के जैसा फालूदा। अब हमें ठेली के बाहर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आराम से हम ठंडा ठंडा फालूदा बनाकर उसका स्वाद ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये होममेड फालूदा पसंद आया हो तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। और मेरी इस रेसिपी को कीजिए लाइक। मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ जाएगा।